नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, कैल्शियम हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है, इस बात का पता हम इस बात से लगा सकते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि अगर हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाए तो इससे हमारे दांतों में दर्द हो सकता है, हमारी नसें कमज़ोर हो सकती हैं, हमारा पूरा शरीर कमज़ोर हो सकता है, हमारे नाखून भी कमज़ोर हो सकते हैं और हमारे शरीर के अंदर खून की कमी भी हो सकती है। तो इससे ये बात तो पता चलती है कि हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की कितनी आवश्यकता है। तो इसीलिए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि इसके अंदर हम आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे जिनके अंदर कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। तो चलिए जानते हैं कैल्शियम रिच फ्रूट्स और फूड्स ऐसे कौन से हैं जिससे आपको ढेरों सारा कैल्शियम मिल सकता है। सबसे पहली चीज़ है हरी पत्तेदार सब्जियाँ। हरे पत्तेदार सब्जियों में जैसे कि पालक, पालक आपको मार्केट में आसानी से मिल भी जाएगा और ये काफ़ी सस्ता भी होता है। लेकिन सस्ता होने का मतलब ये नहीं कि इसके अंदर कैल्शियम कम होता है। पालक के अंदर कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। कैल्शियम से हमारे शरीर के अंदर हमारी हड्डियां मजबूत होंगी और आयरन से हमारे शरीर के अंदर खून की कमी कभी भी नहीं होगी। तो आप पालक को खाकर अपने शरीर के अंदर कैल्शियम की पूर्ति कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जिसके अंदर आपको ढेरों सारा कैल्शियम मिल सकता है वो है भिंडी। भिंडी के बारे में हम लोग ये नहीं जानते कि इसके अंदर बहुत सारा कैल्शियम होता है। अगर आप हफ्ते में दो बार भिंडी खा लेंगे तो इतना ही आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी होगा। कैल्शियम के लिए और जिस चीज़ का आप सेवन कर सकते हैं वो है अंजीर। अंजीर सूखे मेवों में एक काफ़ी टेस्टी स्नैक है। अंजीर के अंदर आपको कैल्शियम के साथ साथ आयरन भी मिल जाएगा, जिससे आपके शरीर के अंदर कैल्शियम और आयरन दोनों की कमी पूरी हो सकती है। अगली चीज़ जिसके अंदर कैल्शियम काफ़ी मात्रा में होता है वो है संतरा। वैसे तो संतरे के अंदर विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन इसके अंदर कैल्शियम भी काफ़ी मात्रा में होता है। संतरे का सेवन करने से आपके शरीर को विटामिन सी भी मिलेगा और कैल्शियम भी मिलेगा, और संतरा आपको मार्केट में आसानी से मिल भी सकता है। संतरे का सेवन करने से आपकी हड्डियां भी मजबूत होंगी और आपके शरीर के अंदर इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, जिससे आप बीमारियों से बच सकते हैं। एक और बहुत बढ़िया चीज़ है जिससे आपको भरपूर कैल्शियम मिल सकता है वो है तिल। तिल का सेवन करने से आपको जितना कैल्शियम मिलता है, समझ लीजिए कि अगर आपने एक चम्मच तिल खा लिए वो एक गिलास दूध के बराबर हो जाएंगे। इतना कैल्शियम आपको तिल की मदद से मिल सकता है। तिल आपको दो तरह के मिलेंगे, सफ़ेद और काले रंग के। आप किसी भी तरह के तिल का सेवन कर सकते हैं और कैल्शियम की पूर्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे ऐसे फूड जिससे आप कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर आप शेयर कर सकते हैं, और हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।